अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक टू अहमद और मैं हूं अहमद फराद। दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से अपनी मैथ प्रॉब्लम्स को कैमरा की मदद से हल कर सकते हैं। जी हां, वैसे तो कैलकुलेटर आजकल हर किसी के पास है, मोबाइल में भी अवेलेबल है, लेकिन आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जस्ट कैमरा को यूज करते हुए अपनी मैथ प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिए और हमारा चैनल भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करना है, आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से डाउनलोड और कैसे करना है। सबसे पहले आप जो है एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। एप्लीकेशन ओपन होते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, एक स्मॉल बॉक्स, स्कैनर भी जिसे आप कह सकते हैं, ये आया होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर कैमरा है, साथ में कैलकुलेटर का ऑप्शन है। अगर आप मैन्युअली अपने हाथों से कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके साथ में एक जो है फ्लैशलाइट का ऑप्शन है। अगर आपके पास फ्लैशलाइट, मतलब कि अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप फ्लैशलाइट के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं जिन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन को स्कैन कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर स्कैन होके हमारे पास उसका आंसर आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 + 2/3 + 3 = 25/6। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके स्टेप्स हमें पता चल जाएं, तो यहाँ पर जो रेड बॉक्स में आपके पास आंसर है उसके साथ ही में यहाँ पर एक 3 लाइंस हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको जो है आपके क्वेश्चन के स्टेप्स भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि अलजेब्रा का है। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो एप्लीकेशन है उसने एक्स की वैल्यू भी फाइंड करके हमें दे दी है। तो इसके स्टेप्स भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमें स्टेप्स लिखना होते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से वहीं पर जाएंगे, 3 लाइंस पर क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये देखें स्टेप्स जो हैं बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं। उसके बाद बैक चले जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन जिस लेंथ का है, आप स्कैन बॉक्स को अपनी मर्जी के मुताबिक घुमा फिरा भी सकते हैं। तो अब मैं बताता हूं दोस्तों कि आपने ये जो एप्लीकेशन है कहां से डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में लिखना होगा फोटो मैथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है हमारे पास आ गया है, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद जिस तरह से मैंने आपको तरीकाकार बताया है, इस तरह आप एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल इसी तरह की टिप्स हासिल करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।